हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकारी इन्फो गुरु। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं डी फार्मा रिजल्ट 2022 को लेकर, जिसमें कि दोस्तों सभी स्टूडेंट्स इस बात को लेकर काफ़ी परेशान है कि डी फार्मा 2022 का रिजल्ट हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप दोस्तों डी फार्मा 2022 का रिजल्ट किस तरह से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, डी फार्मा एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोटिस आया है बाई PCI के द्वारा, तो उसके बारे में हम दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, और आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फ्रेंड्स क्या करना है, कोई भी गूगल आपको या फिर सर्च इंजन ओपन कर लेना है। वहाँ पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, BTE UP सर्च करेंगे। जिस तरह से सर्च करेंगे आपको पहले ही वेबसाइट पर आपको दिखाई दे जाएगा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, और इसको आपको यहाँ से कट कर देना है ऐड को, और फिर आपको नीचे आना है। और जैसे ही आप नीचे आएंगे फ्रेंड्स, आपको टोटल इंटरफेस इस तरह से दिखाई देगा, और आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी, व्यू लेटेस्ट व्यू ऑल, आपके लिए यहाँ पर पूरी डिटेल मिल जाएगी किस तरह से आपको क्या करना है। अगर आप किसी भी स्टूडेंट को सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो आप फ्रेंड्स यहाँ से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊँ क्लिक करके, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डालना है। आप जैसे ही इनरोलमेंट नंबर डालेंगे आपको अपना सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स उसके बाद की आपको रिजल्ट किस तरह से चेक करना है उसके बारे में, तो आपको यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा, रिजल्ट का ऑप्शन आएगा यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, रिजल्ट का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे रिजल्ट के ऑप्शन पर, आपको ये इस तरह से दिखाई देने लगेगा, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ। और आपको यहाँ पर दिखाई देख सकते हैं कि आपको व्यू रिजल्ट ऑफ ओल्ड सेमेस्टर मार्च 2022 तक का रिजल्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रखा है, और अभी तक डी फार्मा का रिजल्ट नहीं आया है। कुछ ही एक दो दिन के बाद आपका फ्रेंड्स डी फार्मा का रिजल्ट आ जाएगा, आप यहाँ से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी न्यूज़, अगर बात करते हैं कि PCI का नोटिस क्या आया उसके बारे में, तो आपको न्यूज़ किसी भी डी फार्मा से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है उसके बारे में अगर बात करते हैं PCI के द्वारा, तो आपको यहां से इस तरह से दिखाई दे, यहां पर आना फ्रेंड्स, और आपको लेटेस्ट न्यूज़ देख सकते हैं। ये जो न्यूज़ दे रखी है आपकी 7 तारीख को आई है, ये 7 तारीख नवा महीना यानी कि ये इसी सेप्टेम्बर महीने की है, और 11 बजे आवेदन पत्र के संबंध में इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। इस तरह से ही आप क्लिक करेंगे आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, और आपको इसे देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। ये इसमें एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ दे रखी है, कार्यालय सचिव प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली के पत्रांक इतने की संख्या पुरानी इतने बजे पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, संलग्न चेक लिस्ट के अनुसार पत्रावली तैयार करते हुए शपथ पत्र। तो फ्रेंड्स ये जो न्यूज़ दे रखी है PCI के द्वारा, ये जो दे रखी है ये ओनली दे रखी है कॉलेजों के लिए है, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए नहीं दे रखी है। अब बात करते हैं एग्जिट एग्जाम रिलेटेड PCI की जो गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार, तो फ्रेंड्स अभी तक जो स्टूडेंट्स 2022 में पास आउट हो चुके हैं उनके लिए एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा, इसके बारे में बात करें तो सभी स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान हैं कि क्या होगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अभी तक आपका एग्जिट एग्जाम की जो नियमावली है अभी तक लागू नहीं की गई है। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं की है, पास आउट आप कर लिए हैं परंतु इंटर्नशिप आपने कंप्लीट नहीं की है, तो आपसे मैं फिर से कहता हूं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपके लिए कि आप जल्द से जल्द अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर लें, और इंटर्नशिप कंप्लीट करके अपना जो है ऑनलाइन कर दें, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दें। अप्लाई करेंगे जैसे ही, कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, आप आसानी से आप रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लेंगे। परंतु फ्रेंड्स अगर आप नवंबर से ज़्यादा लेट करते हैं, यानी नवंबर से पहले पहले नहीं करा पाते हैं अपना रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट, तो आपका हो सकता है कि नवंबर के बाद से एग्जिट एग्ज़ाम लागू हो जाए और आपको एग्ज़ाम देना पड़ जाए। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, अभी तक आप अगर आपने इंटर्नशिप के लिए इंटर्नशिप नहीं शुरू की है तो आप अपनी इंटर्नशिप शुरू कर दें, और अपनी इंटर्नशिप शुरू करने के बाद आपने जल्द से जल्द अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दें। दोस्तों आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे फार्मेसी
मतलब एज ए फार्मासिस्ट होने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपका मात्र 10 से 15 दिन में रजिस्ट्रेशन आ रहा है, ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है। अब लंबा प्रोसेस ख़त्म कर दिया गया है कि 6 महीने बाद रजिस्ट्रेशन मिलता था, अब तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका कर दिया है। जैसे ही आप ऑनलाइन करेंगे आपका 15 दिन में रजिस्ट्रेशन आपके पास आ जाएगा, वो भी ऑनलाइन PCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर। क्योंकि दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट हैं मेरे आसपास, यानी कि मैंने जिनका रिजल्ट देखा था, तो मैं उन्होंने ऐप जैसे ही अप्लाई किया था उनके 15 दिन में उनका रजिस्ट्रेशन उनके पास आ गया था। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए, 2022-23 जो आगामी 2023 में पास आउट होंगे उनके लिए एग्जिट एग्ज़ाम तो 100% लागू होगा। तो उनके लिए मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि वो अभी से अच्छे से प्रिपरेशन करें, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। एग्जिट एग्ज़ाम इतने हार्ड लेवल का नहीं होने वाला है कि आपसे पास नहीं हो पाएगा, आसानी से पास हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, उनका एग्जिट एग्जाम नहीं होने वाला है, 100% श्योर। परंतु अगर आप नवंबर से पहले पहले अपना और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर देते हैं, तभी अगर आप रजिस्ट्रेशन नवंबर से लेट करते हैं तो फ्रेंड्स हो सकता है कि आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी बात को लेकर या फिर कोई भी डाउट है तो आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों इसी तरह की रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स अब तक के लिए टेक केयर।